नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज ईएमआई कार्ड को लेकर। अगर आपके पास भी बजाज का ईएमआई कार्ड है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्यों होता है हमारा बजाज का कार्ड ब्लॉक, क्यों एक्टिवेट से इनएक्टिवेट हो जाता है, क्या कारण है और इससे कैसे बचे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरी जानकारी के साथ। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा बजाज का जो कार्ड है वो ब्लॉक क्यों होता है, एक्टिवेट से इनएक्टिवेट क्यों दिखाता है, क्या रीजन है। पहले हम रीजन को समझ लेते हैं। पहला रीजन, तो टाइम से आप अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, कोई भी आपका पेमेंट लेट हो जाता है या चेक बाउंस चार्जेस हो जाते हैं, समय पर किस्त नहीं दे पाते हैं या आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं रहती है और आपकी किस्त नहीं कट पाती है, जिससे के कारण आपका जो है ईएमआई कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है, आप आगे सामान नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा यही कारण है। अगर आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है तो आप उसे बचा सकते हैं ब्लॉक होने से। कैसे? टाइम से पेमेंट करें। जैसे दो तरीके की किस्त कटती है मान के चलिए, तो उसको आप एक दो दिन पहले ही पैसे उसमें अकाउंट में रख लें, क्योंकि बजाज का जो पैसा कटता है किस्त इंस्टॉलमेंट जो कटती है वो आपके अकाउंट से डेबिट होती है ऑनलाइन ऑटोमेटिक। तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, जिससे आपका रिकॉर्ड भी सही रहे और आपका जो बजाज का कार्ड है ईएमआई का वो भी एक्टिवेट रहे। आप अपने समय पर किस्तें जमा कराएं, इंस्टॉलमेंट जो भी आपकी बनती है, जो भी आपने सामान परचेज किया है समय से किस्त देंगे, तो इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा और आपका बजाज का कार्ड भी ब्लॉक नहीं होगा। ये जानकारी आप सबको देनी जरूरी थी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है क्या रीजन है, क्यों हमारा कार्ड ब्लॉक हुआ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका समय पे किस्त देने के बावजूद ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बजाज के जो रहते हैं सर्विस सेंटर, वहां पर जाकर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्यों कार्ड ब्लॉक हुआ है, आपने समय पे इंस्टॉलमेंट दिया है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप सबको देनी जरूरी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।